मिर्जापुर मंडली अस्पताल में विगत दिनों भर्ती महिला मरीज के साथ सुरक्षाकर्मी ने दुष्कर्म किया था, जिसका आज एसपीसीटी ने खुलासा किया। मिर्जापुर थाना शहर कोतवाली स्वाट व एसओजी की संयुक्त टीम ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। रेप का मामला है जिसमें जिला अस्पताल में दुष्कर्म की बात सामने आई है, आपने गिरफ्तार भी किया है मुजरिम को, क्या है पूरा? देखिए, कल एक सूचना मिलती है, अपीलों के माध्यम से लड़की मिलती है और उस पर फिर लड़की का बयान महिला कांस्टेबल और महिला हमारे उप निरीक्षक जो एसओ यहाँ की महिला है उनकी उपस्थिति में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर श्री अरविंद कुमार मिश्रा द्वारा लिया जाता है। हम लोगों को सूचना मिलती है तो हम लोग भी मौके पर पहुँचते हैं, एसएसपी साहब, डीएम साहब और हम लोग एसपीसीटी एडीएम सभी मौके पर पहुँचते हैं। जांच परीक्षण के बाद जिला अस्पताल के महिला वार्ड में ये सूचना मिलती है कि वो जो है लड़की जैसा बताती है कि बाथरूम में उसके साथ गलत कार्य किया गया है। उस आधार पर जो है पीड़िता के तहरीर के आधार पर 73 IPC का अभियोग दर्ज किया जाता है और तदनुसार कांस्टेबल ने 22 तक कोतवाली शहर में दर्ज किया गया और हमारी टीमें ने गिरफ्तारी के लिए बराबर रात भर प्रयास किया जाता रहा और अंततः हमें जो है हमारी टीमों ने सफलता प्राप्त किया है। स्वाट टीम, एसओजी टीम और हमारी प्रभारी निरीक्षक की टीम ने इसमें गिरफ्तारी में जो प्रयास किया उसी तरह सराहनीय प्रयास किया और रातों रात प्रयास करके उसको गिरफ्तार किया गया है। कुछ इसमें पूछताछ में बताया मौसम की घटना क्या हुई थी, चूँकि महिला का जो आरोप है और इसका कुछ इस बारे में कुछ ये आरोपी का उन्होंने पूछताछ किया है और महिला से भी पूछताछ किया है तो इतनी जरूर बात संज्ञान में आई है कि आपस में उनके अभी हाल में जब भर्ती हुई थी 7 तारीख को तो वो चूँकि वहाँ पर स्वीपिंग का काम करता है संविदा पर वहाँ स्वीपर है वो मुंजिम जो है और दोनों के संपर्क में आया था और उसी दौरान जो भी उसके साथ घटना हुई है, बाकी वो अपने घटना को स्वीकार कर रहा है और स्वीकार करने के आधार पर हम लोग जो विधिक कार्रवाई होगी तदनुसार जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे।